लोक चिकित्सा इलाज की वह पद्धति है जिसनों लोक मानसिकता ने प्रमाणिक मनिया है, प्रमाणिक सहयोग से प्रवीण मनिया लोक मानसिकता ने। लोक चिकित्सा लिए अंग्रेजी विच फोक मेडिसन पद की वरतों की जाती है, पंजाबी विच लोक इलाज, लोक दवा दारू अते लोक औषधि आदि शब्द इसे भावना प्रगट करने वाले हैं। लोक चिकित्सा अधीन लोक समूह सधारण वरतों विच आने वाली जड़ी बूटियां, जादू टूने, धागे तवीत, जंतर मंत्र, पूजा विधियां अते खनिज पदार्थों राही रोगों का इलाज करते हैं। प्राचीन समय तो ही लोक समूह का इलाज दिया इन्हां विधियां प्रति एक विश्वास बनिया होया है। इन्हां पद्धतियां दी उन्हां दे सभ्याचारक पैटर्न विच पूरी महानता हुंदी है। आदि मनुख कुदरती स्रोतों के नेड़े रहन दे कारण अपने जीवन के विभिन्न खेत्रां विच प्रकृतिक साधना का प्रयोग करता रहा है। इस विच बीमारियां का इलाज भी शामिल है। इस तों इलावा प्राचीन मानव अलौकिक शक्तियां दे प्रभाव नूं भी मानदा सी, जिस सदका उस ने जादू टूनिया, पूजा विधियां अते जंतर मंत्र दी विधि नूं इलाज लई चिकित्सक तौर ते वरतों अधीन लियांदा। समें दे परिवर्तन मनुख दी सूझ दा विकास होया, जिस कारण उस ने चुगिरदे दी प्रकृति दी वन सवनता दी पहचान कीती अते अपने आले दुआले दी बनस्पति विचले अमुल तत्तां दी परख करके उन्हां नूं अपने इलाज लई वरतना शुरू कीता। इलाज दियां शाखावां विच बनस्पति दा विशेष हिस्सा रहा है। बनस्पति दे विशाल भंडार दा चिकित्सक ज्ञान विच अहम योगदान है। निम, किकर, अजवैन, सुंड, इलाची, अक, तुलसी, बेरी, नींबू अते लसन आदि जड़ी बूटियां नूं इलाज लई आम ही वरत्या जांदा है। इन्हां विचों किसे दे फल, किसे दे पत्ते, छिल्लड़, जड़ां, फुल जां बीज वख-वख ढंगां नाल वख-वख रोगां दे इलाज लई वरतों अधीन लियांदे जांदे हन। वर्तमान समय तकनीकी साधना दी वरतों द्वारा तैयार कीतियां जांदियां दवाइयां विच भी खोजी बनस्पति तो निचोड़ जां कंपाउंड लै लेंदे हन। बनस्पति नूं एकत्र करके इन्हां तो दवाइयां बनाउण अते नुस्खे तैयार करन लई एक खास किस्म दी विधि अपनाई जांदी है अते इस विधि दे भंग हो जाण नाल इस दा असर घट हो जाण बारे भी विश्वास है। इस खोज पत्र विच केवल पंजाब दे प्रमुख कबीलियां दी लोक चिकित्सा दियां उस शाखावां दा ही अध्ययन कीता गया है जिहड़ियां पंजाब दी बनस्पति नाल संबंधित हन, अर्थात जड़ी बूटियां अते रुख पौद्यां राहीं इलाज नूं ही अध्ययन दा मुख मरकज बनाया गया है। कबीला परिवारां दे समूह नूं कहा जांदा है जिन्हां दी सांझी बोली हुंदी है, सभ्याचारिक इकसारता हुंदी है, इन्हां दे जीवन नूं चलाउण दे अपने कुछ नियम हुंदे हन। कबीलाई सभ्याचार पंजाब दे स्थानिक सभ्याचार तों थोड़ी भिन्नता रखदा है क्योंकि इन्हां दे परंपरिक जीवन विहार दे कुछ पक्ष जिवें रौह रीतां, पहरावा, खाण पीन, लोक धर्म आदि अजिहे पक्ष अजे भी बरकरार हन जिन्हां तों इन्हां दे विलक्षण सभ्याचार दा अंदाजा भली भांत लग जांदा है। वर्तमान समय तक भावें इन्हां लोकां ने पंजाब दे जीवन विहार नूं अपना लिया है परंतु इन्हां दे परंपरिक जीवन विहार दे अंश अज भी दृष्टिगोचर हुंदे हन। कबीला जन समूह लोक धर्म दा धारनी होण कारण ये बहुत सारियां बीमारियां दा इलाज मंत्रां, धागे तवीतां, जादू टूनियां अते विभिन्न पूजा विधियां द्वारा करदा है। जिथे कबीलियां विच इन्हां बीमारियां दे इलाज लई इस पद्धति नूं प्राथमिकता प्राप्त है उत्थे ही कबीला जन समूह जड़ी बूटियां नाल संबंधित लोक चिकित्सा नूं भी वरतों अधीन लियांदा है। इस कारण कबीला जन समूह दी लोक चिकित्सा दा अध्ययन करन लई इस नूं दो शाखावां विच वंडिया गया है, प्रभौतिक शक्तियां उपर आधारित लोक चिकित्सा ते भौतिक शक्तियां उपर आधारित लोक चिकित्सा। इलाज दियां इन्हां दोहां शाखावां दा वर्णन करदिआं बनस्पति नूं केंद्र बिंदु बनाया गया है। कबीला जन समूह ने बीमारियां दे इलाज लई प्रभौतिक शक्तियां नूं भी सहायक दे तौर ते वरत्या है।
प्रभौतिक शक्तियां विचों जादू टूनिया उपर आधारित लोक चिकित्सा नूं लोक चिकित्सा विच बनस्पति दी शमूलियत वेखी गई है। लोक चिकित्सा दे खेतर विच जादू टूनिया दा एक विलखण स्थान है। मनुख दी प्रकिरतिक पसारियां दे रहस नूं जानन अते इस पिछे कार्यशील शक्तियां नाल जूझन दी बुनियादी प्रवृत्ति विचों जादू टूने ने जन्म लिया। पंजाबी समाज सभ्याचार विच औरत नूं ओना चिर पूरक नहीं समझा जांदा जदों तक वह माँ नहीं बन जांदी। जेकर किसी कारण कोई औरत गर्भवती नहीं हुंदी तां इस दा कारण औरत नूं ही समझा जांदा है। पंजाब दा बौरिया कबीला भी बाजपन दा कारण औरत नूं ही मंदा है। कबीला नव्योता जोड़ी नूं उन्नी देर तक उस दे पेके नहीं जान दिंदा जिन्नी देर वह गर्भवती नहीं हो जांदी। जेकर वह गर्भवती नहीं हुंदी तां कबीले विच विश्वास कीता जांदा है कि इस लड़की ते कोई दोष है, इसलिए उस दे दोष नूं दूर करन हित उन्हां दोहां व्योता जीआं नूं लड़की दे पेके घर दी हद ते बिठा के उन्हां उपरों कोई जीव काली कुकड़ी जां बकरा वार के बलि देन उपरंत अक दी जड़ विच दब दिता जांदा है। असल विच जादू टूने मनुखी जीवन विच निश्चितता लियाउण विच सहायक हुंदे हन। अक दी जड़ विच दबण दा इक कारण यह भी हो सकदा है कि जिहड़ा अक दा पौधा वह सख्त मौसमां दे विच भी उवें मौलदा रहिंदा। अक ते गुहार नहीं निकलण ते इह कबीला बेरी दे सत पत्ते लै के बेरी दी सूल विच टंग के गुहारनी उपरों वार के किसी कंध की मोरी विच रख दिंदा है। उन्हां दा विश्वास है कि जिवें जिवें यह पत्ते सुकणगे उवें उवें गुहारनी ठीक होवेगी। गुहारनी नूं कबीला जनसमूह की भाषा विच डंडी निकलना कहा जाता है। छोटे बच्चों नूं फोड़े फिंसियां निकलन ते बौरिया मरासी बाजीगर अते सांसी कबीले दे लोक बच्चे नूं ऐतवार वाले दिन बेरी दे थले बिठा के बांस दी सोटी नाल सत वारी बेरी दे पत्ते झाड़दे हन। इस नूं झाड़ा झाड़ना कहा जांदा है। विश्वास कीता जांदा है कि यह टूना करन नाल बच्चा ठीक हो जांदा है। यह टूना जादू टूने दी शाखा स्थान अंतरण नाल संबंधित है। जादू चिंतन अनुसार एक वस्तु दे गुण दूजी विच बदले जा सकते हैं। जादू टूनिया विच परस्पर तब्दीली हुंदी मन्नी जांदी है। इस कारण किसी बीमारी नूं दूर करने लई दरख्तां नाल टूने कीते जांदे हन। मरासी कबीले दे लोक चिकन पॉक्स होण ते रोगी दे गल बेरी दे ढाई पत्ते नीले धागे विच परो के पा दिंदे हन। कबीले दे लोकां दा विश्वास है कि जिवें जिवें इह पत्ते सुकणगे उवें उवें रोगी ठीक होवेगा। बाजीगर कबीला इस नूं नकाल निकलना कहिंदा है। नकाल निकलण ते इस कबीले दे लोक कच्ची लस्सी ते पतासे जंडी ते लिजा के जंडी नूं पूजदे हन अते कच्ची लस्सी जंडी दे मुढ नाल पा के जंडी नूं ठंडा करदे हन। जंड दा रुख पंजाबी सभ्याचार विच इक पूजन योग रुख है। जिक्र योग है कि कई कबीले इस रोग विच निम बेरी किकर अते करीर दे मुढ लस्सी पा के पूजदे हन। पीलिया होण ते मरासी कबीले दे लोक किसे ठीकरे उपर पीलिए वाले रोगी दा विशाब करवा के उस ठीकरे नूं अक दी लकड़ नाल मचाउंदे हन। इस ठीकरे नूं चुल्हे उपर रख के चुल्हे विच अक दी लकड़ नाल अग मचाई जांदी है। उन्हां दा विश्वास है कि अजिहा करन नाल रोगी दा रोग ठीक हो जांदा है। गुजर अते बौरिया कबीले दे लोक अक दी लकड़ कच्चे सूत दे धागे विच परो के रोगी दे गल पा दिंदे हन। हो सकदा है इन्हां बूटियां विच कुछ अजिहे तत होण जो शरीर नाल स्पर्श होण ते इस रोग दे कीटाणुआं नूं मारन दी समर्था रखदे होण। यह बूटी जहरीली होण कारण इस दा सीधा सेवन करन तों वी गुरेज कीता जांदा है। भौतिक शक्तियां उपर आधारित लोक चिकित्सा कबीला जन समूह हर प्रकार दे रोगां दा इलाज लोक विद्या दे सिफाखाने विचों ढूंढण दी कोशिश करदा है। लोक चिकित्सा दा बहुता हिस्सा जादू टूना अते धार्मिक अनुष्ठाना राहीं इलाज करन नाल संबंधित है। इस तों इलावा घरेलू टोटके दे तौर ते वरतियां जाण वालियां औषधियां भी लोक चिकित्सा दा ही भाग हन, जिन्हां दी वरतों घरेलू पद्धर ते घर दीआं औरतां अते बजुर्गां वल्लों कीती जांदी है। इस विच जड़ी बूटियां दे दुछांदे सत काढ़े आदि दी वरतों करदे हन।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੌਦਿਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਔੜ ਪੌੜ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਬੀਲਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਲਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਾੜੇ, ਚੂਰਨ ਜਾਂ ਸਾਬਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਚਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਹਲਦੀ, ਸੌਂਫ, ਸ਼ੁਹਾਰੇ, ਖੋਪਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਹਰੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਪਾ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ 3 ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਚਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਚਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਔੜ ਪੌੜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਬੀਲਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਮੈਨ, ਸੌਂਫ, ਇਲਾਚੀ, ਮਲੱਠੀ, ਲੌਂਗ, ਪੁੱਠਖੰਡਾ, ਹਰੜਾਂ, ਦਾਖਾਂ, ਜੈਫਲ, ਬਨਫਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁੰਡ ਆਦਿ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਜੈਫਲ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਜਵੈਨ ਤਵੇ 'ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁੱਜਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੰਘ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ 1 ਪੁੜੀ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਡ, ਕਮਰਕਸ, ਜਵੈਨ, ਚਾਰੇ ਗੂੰਦਾਂ, ਖਸਖਸ ਆਦਿ ਪੰਜੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜੀਗਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜੇ ਜਾਂ ਮੱਚੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਨਿੰਮ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ 3 ਡੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਲਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਦੁਖਣ 'ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਕਲਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਲਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਉਸੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਲਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਦਰੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੌਤਿਕ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਚਲਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਅਕ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਭੌਤਿਕ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੂਲ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਨ ਲੋਕ ਮਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਲਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
प्राचीन समय तो ही सियाने हकीम इन्हों का मनुखी शरीर से असर वेखते आए हैं। मनुखी शरीर से इस दे सकारात्मक असर कारण ही इस तो आयुर्वैदिक चिकित्सा प्रणाली विकसित हुई है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के इतिहास में जड़ी बूटियां का अहम योगदान है। घरेलू इलाज में जमैन अक पुठकंडा लौंग इलायची सुंड निम आदि सारे इलाज के तौर पर कबीलाई सभ्याचार का हिस्सा बन चुके हैं। धन्यवाद जी।